अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मोहम्मद इमरान फ्रॉम सिटी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। 5.1 हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इनकी डिग्री बतानी है। डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर को, तो हमने बताना है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो सबसे पहले देखें, जो भी पावर, बड़ी पावर, सबसे बड़ी जो पावर है वही उसकी डिग्री है। ये पहला क्वेश्चन देखें, इसमें जो डिग्री होगी इसकी डिग्री कितनी है? 1, क्योंकि इसकी एक्स की पावर कितनी है? 1 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में इधर डिग्री क्या है? 2, क्योंकि इधर सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। जो सबसे बड़ी पावर होती है वही डिग्री होती है। यहां डिग्री क्या है? यहां पे डिग्री 4 है। देखें, यहां वैसे आपको नजर आ रही है सबसे बड़ी पावर 3, सबसे बड़ी पावर आपको 3 नजर आ रही है, लेकिन अगर दो वेरिएबल इकट्ठे आ जाए तो दोनों की पावरों को प्लस करके डिग्री बनाते हैं। 2 + 2 = 4। तो यहां हाईएस्ट डिग्री 4 है। ये ज्यादा समझने वाला क्वेश्चन है। इसकी डिग्री भी 2 2, दोनों को मिला के कितनी? 4। वैसे इधर आपको बड़ी पावर 3 नजर आ रही है, लेकिन डिग्री क्या होगी इसकी? 4। इसी तरह ये लास्ट वाला क्वेश्चन, इसमें जो डिग्री है वो आ जाएगी 3, क्योंकि इधर सबसे बड़ी डिग्री 3 है। इनकी तो 1 + 1 बन के 2 बनेगी, तो सबसे बड़ी पावर 3 है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नीचे है, सेपरेट द पॉलीनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर वो होती है ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी बड़ी से बड़ी पावर 1 हो, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है, ऐसी इक्वेशन, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें, ऐसी पॉलीनोमियल जिसमें बड़ी पावर 2 हो जाए, उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। और ऐसी इक्वेशन जिसमें बड़ी पावर 3 हो जाए उसको क्यूब कहते हैं, क्यूबिक इक्वेशन जो है ना, पॉलीनोमियल कहते हैं। ऐसी पॉलीनोमियल जिसमें डिग्री 3 हो जाए उसको क्यूबिक पॉलीनोमियल कहते हैं। और ऐसी जो है ना पॉलीनोमियल जिसमें डिग्री 4 हो जाए, जिसमें डिग्री 4 हो जाए, उसे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलीनोमियल कहते हैं। तो देखें, ये जो सबसे पहले वाली है ये लीनियर है। लीनियर क्यों लीनियर है? इसकी बड़ी से बड़ी पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 है, ये लीनियर है। ये भी लीनियर है क्योंकि इसकी भी डिग्री क्या है? 1 1। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी पावर बड़ी से बड़ी 2 है, ये क्वाड्रेटिक है। ये वाली भी लीनियर है, लीनियर। ये बाई क्वाड्रेटिक है, इसमें बड़ी से बड़ी पावर 4 बन जाती है। एक्स की 2 और वाई की 2 को मिलाएं तो 4 बन जाती है। अगर दो वेरिएबल इकट्ठे आ जाए, दोनों की पावर को मिला के भी बन सकती है। ये बाई क्वाड्रेटिक है। उसके बाद ये लास्ट वाली देखें, ये भी बाई क्वाड्रेटिक है। इसी तरह मैं कुछ इसके और भी क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। ये जो मैंने कर दिए हैं, इनकी मैंने लिख दी है वैल्यू सबके साथ में, ओके, के ये किस किस्म की क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन हम इसके और भी देख लेते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन और करने लगा हूँ मैं, ये क्वेश्चन है x³ + x² - 2। ये क्या है? इसमें बड़ी पावर 3 है, ये क्यूबिक है।
क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे इसको। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन तकरीबन मैंने कर दिए हैं ये वाले। तो स्टूडेंट आपका होमवर्क यही है कि आज आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करें, कल इंशाल्लाह हम 5.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। होमवर्क में इस सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करें, इसके पीछे वाले पेज पे डेफिनेशनें भी लिखी हुई हैं उनको भी सॉल्व करें।